से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं से न्याय मिलेगा इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, देखा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, और छप्पर फाड़ के धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना। शोषण उत्पीड़न उन्मूलन, ये महज चुनावी नारे हैं। शोषण उत्पीड़न उन्मूलन महज चुनावी नारे हैं, पश्चिम से सूरज निकलेगा इस धोखे में मत रहना। साथियों, पर बाबा साहब ने कहा कि भाई फूल वही चुन पाते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलते हैं, अधिकार को छीने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी अधिकार मांगे नहीं थे इस देश में किसी से, बल्कि छीने ही थे, और पूरे समाज के लिए। और एक बात और उनके बारे में मैं बोल के फिर अपनी बात शुरू करूंगा कि आज आप यहाँ खड़े हैं, हम आज इस देश में, हमारे डॉक्टर एजाज अली साहब जो बोल रहे थे पटना से आए हुए, आज आप यहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वह बाबा साहब की ही बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वो बबा साहब की देन है। आपके पास आज जो कार है वो बाबा साहब का ही उपकार है। आपके जीवन में, इस देश में आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की ही की हुई क्रांति है। आपके तन पर जो चमचमाती शर्ट है वो बाबा साहब के द्वारा किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उनके प्रति देश में, समाज में मौन रहते हैं, तो दिल पर हाथ रखकर बताओ कि आपकी तरक्की के पीछे ये देश में कौन दूसरा है। मैं समझता हूँ कि हमारी तरक्की के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर के सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि नहीं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की है और बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हैं। ये मैं नहीं कह सकता। एक लड़की ने पिछले बार हमारे समाज की IAS भी टॉप किया, इस बार एक लड़के ने इंजीनियरिंग टॉप किया। ये नहीं कहता कि हमारे समाज में आप पढ़े लिखे नहीं है, आप पहले नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सामने कि हमारे समाज को स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था, डिग्री कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं था, मेडिकल कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं था। तो उन्हें अधिकार, जैसे कहते हैं बाबा साहब का मिशन क्या था, मिशन और मूवमेंट क्या था जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने चलाया, तो उन्होंने बताया है कि मिशन मेरा अपने समाज के लिए स्लोली टू फाइंड आउट द राइट्स फॉर माई पीपल इज माई मिशन इन द कंट्री। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा देखा झेला, परिस्थितियां बहुत विपरीत थी और जातवाद का बहुत बोलबाला था, और 2500 साल पहले से जब महाकारण गौतम बुद्ध आए 2562 साल पहले, उससे पहले भी ऐसा हमारा जो ये देश है 1947 से पहले 150 साल जो अंग्रेज रहे, 150 साल से पहले हमारा देश कोई देश नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे राजा होते थे, आप सबको पता होगा, उन राजाओं की रियासत होती थी कुछ, और उन रियासत के बीच में कुछ कारिंदे होते थे जो टैक्स वसूल करके लाते थे किसानों से और बिजनेस करने वालों से, और वो रियासत में पहुँचाते थे और रियासत राजा को पहुँचाती थी। और हर राज्य का एक एरिया होता था, एक राजा का एक एरिया होता था, और उस राज्य के लिए उस राजा ने जो भी कानून बना दिए वो सब लागू होते थे, उसको जो सही लगेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज नहीं थी, कोई रिटर्न में कोई चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था, जिस वक्त जो चीज आई उसने जो बता दिया कह दिया वही लागू होता था इस कंट्री के अंदर। तो हमारे देश कोई एक देश जैसी चीज नहीं थी, कबीलाई सिस्टम था, बहुत सारे राजा थे, उनके रियासतें थी, कारण थे, उसमें बहुत सारी तरह की दिक्कत थी।
उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उनके बाद जब उन्होंने संन्यास धारण किया 28 साल की उम्र में, तो उन्होंने ही देखा कि भाई दुनिया में बड़ा दुख है, तो भगवान बुद्ध क्यों अपने घर से निकले। उनकी कहानी आपने सब किताबों में पढ़ी होगी कि दुनिया में दुख है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक 28 साल की उम्र तक, और एक मरीज को देख लिया, एक बीमार आदमी को देख लिया, एक सन्यासी को देख लिया। ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध ने बहुत ज्ञान से ये देखा कि दुनिया में दुख है, दुख बहुत ज्यादा है, और दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। मेरे राज्य में भी दुख है, दूसरे राज्य में भी दुख है, मेरे परिवार में भी दुख है, मेरे रिश्तेदारों में भी दुख है। वो शाक वंश के थे, कपिलवस्तु में शाक वंश बहुत बड़ा वंश था, राजा के बेटा थे, राजा शुद्धोधन के। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये दुनिया में दुख है तो इसका कोई कारण होगा। बौद्ध धर्म बाद में बना, तो बौद्ध धर्म को साइंटिफिक रिलीजन कहते हैं, उसके रीजन है, साइंटिफिक रिलीजन ही है बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध ने दिया, और मेडिकल साइंस से बहुत मेल खाता है। अभी मैं आधे मिनट में बताता हूँ, तो दुनिया में दुख है तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा, और अगर कोई न कोई कारण है तो इसका निवारण भी जरूर होगा। फिर तो भगवान बुद्ध ने 28 साल की उम्र में अपने घर से सन्यासी बने, और 7 साल के अंदर वो ज्ञान प्राप्त किया, वो कारण प्राप्त किया, और इस नतीजे पर पहुंचे कि यस, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण भी है। इसी तरह से हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि दुनिया में बीमारी है और बीमारी का कारण इटियोलॉजी है और उसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन भी है, जो भगवान बुद्ध ने भी बताया कि इसका प्रिवेंशन भी है, चारों स्टेज भगवान बुद्ध ने भी बताया। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध बहुत महामानवतावादी थे, उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के लिए काम किया 52 ईयर्स लगातार। बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 साल से ज्यादा काम किया समाज में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए, और वो संविधान में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का सिद्धांत लेके आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी डिग्री हासिल की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1913 में, वहाँ से 3 साल पढ़े, 2 साल वहाँ पढ़े, 1 साल इंग्लैंड पढ़े, 3 साल में 3 डिग्री ली, फिर बाद में दोबारा गए 1920 के अंदर, फिर 3 डिग्री लेके आए इंग्लैंड से। उन्होंने एमए, एमएससी, पीएचडी वहाँ से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और फिर ग्रेज इन यूनिवर्सिटी में लंदन में उन्होंने फिर 3 डिग्री हासिल की। यहाँ से प्रॉब्लम ऑफ रूपीज में डीएससी हासिल किया इंग्लैंड से, और 12 एटलॉ किया, और एमए भी इकोनॉमिक्स में। देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, ये सब रखो, लोग बोल नहीं पाते हैं इधर उधर की बात, मुझको अपनी बात रखने दो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन नहीं आ जाएंगे जब छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ बात रखने दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसे बीच में 2-4-5 डॉक्टर अम्बेडकर साहब की चीज़ें 2-4-5-15 मिनट में नहीं रखी जा सकती हैं, और हम उनका हमें जन्मदिन मनाते हैं तो उनकी चीजें देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को और भगवान बुद्ध को, दोनों ने एक ही जैसी चीज इस देश में दी है, ज्यादा फर्क नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कोई अगर जानेगा, जानते तो सभी लोग हैं लेकिन मानते बहुत कम लोग, इसी तरह से भगवान बुद्ध को जानते सभी हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। तो दोनों कोई अगर कोई जानेगा और समझेगा और समझ के उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, और किसी भी जात धर्म का हो इस देश में, उसी को फायदा होगा, और लाभ ही लाभ होगा, उसको नुकसान कुछ नहीं होगा जिंदगी में। और लाभ कैसे होगा, रोज होगा, डेली वाला लाभ है, ये डेली के लाभ वाले दोनों महापुरुष भगवान गोत्री और डॉक्टर अम्बेडकर सर, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम साल में एक बार उनका जन्मदिन मना लें और 364 दिन हम चदरा तान के अपने घर में सोते रहें, ऐसे नहीं, उससे कोई आपको लाभ नहीं होगा। सारी चीजें उनकी जाननी होंगी और जान के उस पर चलना होगा, उनको अपने जीवन में उतारना होगा, वो जो जो हमें कह गए बातें
वो सब बातों पे हमको चलना हो। अगर हम उनको मानेंगे नहीं और समझ के मानेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हमको कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस देश में। इसलिए भगवान बुद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1913 में, वहाँ से डिग्री हासिल की। और यहाँ उससे पहले जब बीए किया उन्होंने बॉम्बे से, इंटरमीडिएट किया और हाई स्कूल किया। हाई स्कूल में 1907 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हाई स्कूल किया बॉम्बे से, एल्फिस्टन स्कूल से। उस स्कूल में उनके टीचर हुआ करते थे कृष्णा अर्जुन केलुस्कर, और केलुस्कर साहब ब्राह्मण थे, और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बहुत अच्छा माना और बहुत प्यार करते थे। और उनकी बदौलत डॉक्टर अम्बेडकर साहब बुद्धिस्ट बने। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को दो सवाल अक्सर लोग पूछा करते थे, वो बताते हैं कि मुझे लोग पूछते थे ज्यादातर लोग कि भाई बताओ तुमने इतनी डिग्री कैसे हासिल कर ली, इतनी पढ़ाई क्यों कर ली। दूसरा पूछते थे भाई बताओ आपने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कोई एक दिन में, दो दिन में, छह दिन में बुद्धिस्ट नहीं बने थे, उन्होंने बहुत समय लिया था। 1935 में नासिक की एबला जगह थी, वहां पर एक मीटिंग में ऐलान किया था। उनको परेशानी हुई बहुत सारी कि हिंदू धर्म में बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसलिए मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया जो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अख्तियार किया, यानी कि 21 साल का समय लिया। 21 साल का क्यों समय लिया, ये भी क्वेश्चन था, पूछते थे लोग, तो उसका भी उन्होंने आंसर दिया कि भाई मैं अपने समाज को पूरे को बुद्धिस्ट बनाना चाहता था, पूरे को कन्वर्ट कराना चाहता था। एक तरह से कन्वर्जन नहीं कह सकते हैं, अपने घर में लौटने वाली बात है, बाबा साहब ने बड़ा डिटेल में समझाया। तो वो बुद्ध धर्म इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और न्याय की बात करता है। सिर्फ दुनिया के सारे देशों में भाई बुद्ध धर्म ही क्यों किया अपनाया उन्होंने, मैं बताऊंगा अभी। दुनिया के सारे धर्मों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, न्याय की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म करता है, और ये साइंटिफिक रिलीजन है।